जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से यहाँ मौजूद लोग खुश होते हैं। सर और मैम, आज आप दोनों की वजह से हम सब जो यहाँ पे मौजूद है बहुत ज्यादा खुश है आप दोनों के लिए, और मैं जानती हूँ आप दोनों की मुस्कुराहट हमें बता रही है कि आप दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश है। नमस्कार, मैं लेखा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, मिस्टर रामचंद जी मूलचंदानी और मिसेस सीता जी मूलचंदानी जी की 50th एनिवर्सरी पर। मिस्टर एंड मिसेस मूलचंदानी जी, फिर से आप दोनों को हम सभी की ओर से ढेर सारी बधाई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग पीछे बैठे हैं, आगे इतनी सारी चेयर्स खाली छोड़ी है, ऐसा क्यों? यूजुअली आगे की चेयर्स के लिए लोग मरते हैं, और यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ अगर बैठेंगे तो स्टेज का व्यू भी ज्यादा अच्छा मिलेगा और हमारे जो स्टाफ कपल है वो भी ज्यादा अच्छे से आपको दिखेंगे। इसीलिए पीपल, जो भी लोग वहां पे बैठे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वहां से खड़े होके यहाँ आगे की चेयर पे आ जाए। वहां पीछे बैठने से जो मजा आएगा उससे मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ डबल मजा यहाँ बैठने से आएगा। तो आज की ये शाम शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगी। ये सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारी आज की जो शाम है ये इस सवाल पे ही डिपेंड करती है, तो इसीलिए ध्यान देकर आगे पीछे वाले यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग जितने भी लोग बैठे ध्यान देकर मेरे इस सवाल का जवाब देना। पूछू कौन बनेगा करोड़पति में, जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वैसा ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इनफैक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 100 करोड़ का सवाल है। ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी हैं इस सवाल के लिए? ओह वाओ, यहाँ पे इतनी सी बच्ची बैठी है जो एकदम अच्छे से मुझे बोल रही है कि हाँ हम सब रेडी। ओके चलिए, तो मेरा ये सवाल है कि क्या आज हम धूम मचाने के लिए तैयार है? वाओ, यहाँ पे बच्चों की आवाज तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, लेकिन बड़े क्या हो गया, एक तो पीछे बैठ गए, वहां से भी चिल्ला सकते हो, चलो अभी यहाँ में टाइम लग रहा है। तो फिर से, क्या हम आज धूम मस्ती करने के लिए तैयार है? वाओ, दैट्स लाइक इट। तो चलिए आज की ये शाम हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि आज हमारे मिस्टर एंड मिसेस मूलचंदानी जी की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि इनकी शादी हुई थी 1961 में, लेकिन इनकी शादी को लेके नहीं, उनकी लव स्टोरी को लेके मेरे दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। कैसे मिले होंगे ये दोनों? शादी के दिन ही एक दूसरे को देखा था या फिर पहले? लेकिन पहले उस जमाने में एक दूसरे से मिलना इट्स नॉट पॉसिबल, नामुमकिन है। तो यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है, एनीवन, एनी गेस के वो लोग पहले फर्स्ट टाइम इन लाइफ कहाँ मिले थे? एनी गेसेस? नो, ओके, आप मुझे बताना चाहते हैं? ठीक है, हाँ जी सर। हाँ, अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि शादी से पहले ये दोनों पहले मिले थे और हाँ तो कहाँ मिले थे? अजमेर के डिग्गी चौक। अजमेर के डिग्गी चौक में, सर ठीक बोल रहे हैं, आंसर करेक्ट है। लेकिन मैंने और एक बात सुनी है कि इन दोनों का जो मिलन था वो टांगे में हुआ था। सर ठीक बोल रहे हो, टांगे में हुआ था मिलन, टांगे में भी हुआ था। क्या बात है, क्या बात है। देखिए वहां पे बैक से जो रिश्तेदार है वो बोल रहे हैं, अच्छा टांगे पे मिलन तो हुआ, लेकिन उस जमाने भी में भी उन्होंने एक ऐसी फिल्म देखी जिसकी प्रेम कथा अमर हो गई, और इसी वजह से सर जस्ट एक छोटा सा रीजन है, ये इसके वजह से नहीं, लेकिन एक छोटा सा रीजन है कि इनकी प्रेम कथा भी इतनी अमर है कि आज भी सर मैम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। कौन सी फिल्म देखी होगी? ओके चलिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं बताई देती हूँ जी, इन्होंने मुगले आजम देखी थी उस जमाने में, क्या बात है। अच्छा, अभी मैं जाके उनको पूछती हूँ
कि जैसे कि मैंने सुना है कि आज की तारीख में भी 50 साल के बाद भी सर का एक भी काम मैम के बिना नहीं होता। चलिए कई सुनी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, इनसे जाके पूछ लेते हैं। मैम सर, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां हम सबकी ओर से। सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जैसे कि मैंने कही सुनी बात सुनी, लेकिन मैं यकीन तभी करूंगी, हम सब यकीन तभी करेंगे जब सर बोलेंगे परफेक्ट राइट। ठीक बोल रही हूँ सर? क्या ये बात है कि आज भी मैम के ऊपर आप इतने डिपेंडेंट हो कि सीता जी सीता जी सीता जी बोलते आपकी जबान नहीं थकती? और यहाँ पे जिन्होंने इतनी मेहनत से आप सभी के लिए ये परफॉर्मेंस तैयार किया उनके लिए तालियां हो जाए, और साथ में यहाँ पे कोई सीटी मार देते हैं तो थोड़ी बहुत सीटियां भी चलेगी। क्या बात है, वाह। लेकिन मुझे तालियों की आवाज नहीं सुनाई दी, तो सीटी मारना थे, तालियां मारनी है। थैंक यू उन सब की तरफ से, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन सच बात कहूँ, थैंक यू आपकी चीजों के लिए। सच बात कहूँ तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक फिल्म देख रही हूँ जहाँ रामचंद्र जी बचपन से लेकर अभी तक का सफर उन्होंने और सीता जी ने कैसे तय किया। बिल्कुल उनका जो वो सॉन्ग था हम साथ साथ है वो परफेक्ट था। लेकिन हाँ, मैं सोचू फिल्म का टाइटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए फिल्म का टाइटल, कोई सजेस्ट कर सकता है? यहाँ पे जो फिल्म अभी अभी हम सभी ने देखी विथ अमेजिंग एक्टर्स, इन्होंने जो एक्टिंग की, जो डांस किया, आई मस्ट से बहुत ज्यादा अच्छा उन्होंने किया। इट वॉज टू गुड, इट वॉज फैबुलस। हाँ, तो कोई सजेस्ट कर सकता है यहाँ पे नाम? ये रिश्ते हैं प्यार के, क्या बात है। और कोई? हम किसी से कम नहीं, क्या बात है। अच्छा, अगर मुझसे पूछे तो मैं तो फिल्म का नाम दूंगी, मूलचंद जी का परिवार। ओके, थैंक यू सो मच। मूलचंद जी के परिवार की कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन इसमें कहीं मुझे ऐसे लगा कि रोमांस थोड़ा मिसिंग था। आप लोग भी मेरे साथ सहमत हो, आप लोगों को भी लगा कि फैमिली फिल्म थी, रोमांटिक फिल्म नहीं थी, मानते आप लोग? क्या बात है, सभी लोग ये बात मानते हैं। तो चलिए अभी हम एक काम करते हैं, अभी एक रोमांटिक कॉमेडी देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस मूलचंद जी के ऊपर। दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले परफॉर्मर्स का। वाओ, वंस मोर, क्या बात है। कौन था वंस मोर के लिए? वंस मोर, ओके वंस मोर करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। वंस मोर अगर आप लोग को इतना अच्छा लगा तो यार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, रोमांटिक कॉमेडी का तो जमाना है, इसमें तो थ्रिलर भी था, इसके लिए इतनी सारी तालियां बज गई। वाओ, वेरी गुड। एनीवेज, दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब, आप लोग ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस्टर एंड मिसेस मूलचंदानी जी की एक नातिन है जो यहाँ पे आके अपने नाना और नानी जी के लिए एक सरप्राइज उन्होंने प्लान किया है। चलिए देखते हैं, मैं भी बता नहीं सकती क्योंकि उनका सरप्राइज है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोनिया। वाओ सोनिया, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, मतलब कितना अच्छा परफॉर्म किया, आप सभी लोग मानते हैं ये बात। ये आपने सीखा था, प्रैक्टिस किया हुआ है, क्या है? मतलब हम लोग बैक स्टेज बैठ के हैरान है कि ये खुद कोरियोग्राफर है, डांसर है, क्या है? बिकॉज शी परफॉर्म सो वेल विथ ऑल दोज गुड एक्सप्रेशन, नो वंडर। चलिए यहाँ पे अगर किसी को भी कोरियोग्राफर की जरूरत है तो हमारी सोनिया जी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सोनिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हमारे सामने एक ऐसे महाशय आएंगे, एक ऐसे सर आएंगे जो जिनके बारे में मैं जितना भी बोलूं कम है, क्योंकि वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। वो गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। चलिए उनको यहाँ पे हम स्टेज पे इनवाइट करते हैं और देखते हैं कि आज आप सबके लिए वो क्या करने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए टी मानवानी जी का। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों इन मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
थैंक यू सो मच. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब तक आपने फैमिली मेंबर्स के परफॉर्मेंसेस देखे, लेकिन अब आपके सामने हम पेश करेंगे हमारे ऐसे एंटरटेनर, जी हाँ, जो स्पेशली मुंबई और अहमदाबाद से यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए. चलिए तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड ही बोलूंगी इनको, इनको टैलेंटेड ही बोलूंगी क्योंकि ये सिंगिंग ही बहुत अच्छा करते हैं. जी हाँ, हमारे टैलेंटेड तुषार को, वो रह चुके हैं विनर म्यूजिक मस्ती एंड धूम जो डीडी वन पे एयर हुआ था. वो फाइनलिस्ट थे, परफॉर्मर जो फिर से डीडी वन का शो था, और उन्होंने शोज पूरी दुनिया में किए हैं. तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये कंट्री में या ये, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जाकर उन्होंने शोज किए. तो चलिए जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए हमारे ब्रिट तुषार का.